जब बुलावा खुद बजरंग बली का हो तो दूरियां मायने नहीं रखती। जय सिद्ध बली महाराज, जय बजरंग बली। अमिताभ बच्चन जी भी यहाँ रत्न लखन आ चुके हैं। उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी। आऊंगा तो चाहे 10,000 रुपए का रूम अलग लेना पड़े, मैं अलग रूम लूंगा अपने। बाय अनु, चलो मैं जा रहा हूँ। पारस बाय। वेलकम वेलकम एंड वेलकम। कांटों से गुजर के ही आप कामयाबी की राह पे आगे बढ़ेंगे, समझ गए? इसलिए बिछा रखे आपकी राह पे हमने कांटे, इसीलिए आपकी राह पे कांटे बिछा रखे। जय श्री राम। आइए आइए। राम राम भाई सारे ने, और कैसे हैं सब आप लोग? और फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नए वीडियो में और नए व्लॉग में। और 2 दिन की ऑफिस की थी छुट्टी, तो लोंडो मोंडो ने बना दिया है प्रोग्राम और हम फिर से जा रहे हैं एक उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के एक खूबसूरत शहर कोटद्वार। इतना नाम सुना था उसका, बहुत ज़्यादा नाम सुना था, तो उसी को आज एक्सप्लोर करने निकल गए हम छुट्टी वाले दिन। 4 मित्र अपनी टाटा पंच से, नई नवेली टाटा पंच से जा रहे हैं और आज कोटद्वार को एक्सप्लोर करेंगे और कितना कर पाएंगे देखेंगे पहले तो। और हमारा कोटद्वार में एक मित्र है, प्रतीक है, वो हमें को घुमाएगा कोटद्वार। हमने तो मैंने तो नहीं घुमाया कोटद्वार, विशेष करके हमने कोटद्वार में सिद्ध बली मंदिर के दर्शन करने हैं क्योंकि वही हमारा डेस्टिनेशन। अगर कहूँ मैं आपसे तो दो राय नहीं होगी, हमने जाना है जो हमारा मेन मकसद है वहाँ, सिद्ध बली हनुमान जी का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, हमने जय बजरंग बली वहीं जाना है और उन्हीं के दर्शन करने हैं। कहते हैं वहाँ पे जो भी मन की मुराद होती है वो पूरी होती है। तो गाइज करिए आप भी सफ़र इंजॉय हमारे साथ। तो भैया जी मैं हूँ अभी नगीना में, और अगर मैं नगीना में हूँ तो मैं आपको यह बताऊँ कि मैं कहाँ हूँ तो ये बड़ी गलत बात हो जाएगी, क्योंकि अगर आप नगीना आ रहे हैं ना तो तुलाराम जी के रसगुल्ले खाना तो बनता है, और हम वहीं पर बैठे हैं। वर्ल्ड फेमस कह सकता हूँ वैसे मैं इसको, क्योंकि जितना हमारे देश में नरेंद्र मोदी जी फेमस है ना, उतना ही तुलाराम जी के रसगुल्ले भी हमारे इंडिया में फेमस हैं। और जो इस रूट से जाता है ना, एक बार जरूर तुलाराम जी के रसगुल्ले जरूर टेस्ट करता है। और हमारा तो 100% है कि अगर हम इस रूट से जा रहे हैं तो भैया यहाँ खाना तो बिल्कुल बनता है और 100% बनता है। क्यों? अब देखो बाकी लोग तो हमारे मित्र लोग बताएंगे इनके बारे में पूरी डिटेल। क्यों गौरव भाई आप बताइए कि तुलाराम जी के बारे में क्या कहेंगे, यहाँ के रसगुल्ले के बारे में क्या कहेंगे? मतलब एक नंबर इनके रसगुल्ले ऐसे हैं ना, मुँह में रखते ही घुल जाते हैं जीभ में। और एक तारीख की बात और बताऊँगा, अमिताभ बच्चन जी भी यहाँ रसगुल्ले खाने आ चुके हैं। ये देखिए बहुत बहुत विशेष, देखिए हमारे पूरी भाई लग चुके हैं। भैया आप कहना चाहेंगे यहाँ के रसगुल्ले के बारे में? आज बंद हो गया पनवेल निकलना सुबह। मनु भाई कहना चाहेंगे? मैं कहूँगा यहाँ जैसा टेस्ट कहीं नहीं मिलेगा आपको, कहीं नहीं मिलेगा, बस यही मिलेगा, यही मिलेगा। अब यहाँ का हल्का सा एक ब्रेक लिया, एक से 1.5 बज रहे हैं अब, यहाँ से 40 से 50 किलोमीटर हमारी डेस्टिनेशन रह चुकी है। हल्का सा स्नैक लिया, उसके बाद पहुँचते हैं सीधा कोटद्वार। कोटद्वार पहुँचते हैं, उसके बाद हमारा मित्र वहाँ वेट कर रहा है, हमारी मित्र से फ़ोन पर बात हो गई है। और अभी हमारी जो लजीज हमने लगाया है, देखिए रसगुल्ले, वाह सच में। तो चलिए हम थोड़ा मील को एंजॉय करते हैं, आप भी आगे के सफ़र को एंजॉय करें। तो भैया जी अभी सीन कुछ ऐसा है, अभी हम कोटद्वार से 10 से 12 किलोमीटर दूर आ गए हैं कड़ुआ आश्रम पे। कड़ुआ आश्रम के आसपास हमें एक होम स्टे मिल गया है जिसका नाम है नमो होम स्टे। जो हमारे मित्र थे प्रतीक भाई वो हमें यहाँ ले आए हैं, उनके साथ कुछ रिलेटिव हैं, कुछ जान पहचान के हैं, तो उन्होंने हमें यहाँ पे होम स्टे दिला दिया है। और नमो होम स्टे बेहतरीन होम स्टे, और यहाँ से ही जो मैंने अभी इससे पहले आपने जो व्यूज़ देखे हैं वो इसी होम स्टे से व्यूज़ आ रहे हैं, एक नंबर का व्यूज़ आ रहा है। और यहाँ से ये थे कि यहाँ पे आसपास यहाँ कड़वा आश्रम है, काफ़ी फेमस कड़वा आश्रम है, गुरुकुल वायर, वहाँ पे बच्चों को बड़ी दीक्षा शिक्षा दी जाती है। और अभी आपको रूम दिखाया जाता है, पहले रूम दिखाता हूँ, देखिए मैं आपको, इतना शानदार रूम है और यकीन मानिए इतने रीजनेबल प्राइस पर हमें मिला है, बहुत ज़्यादा रीजनेबल प्राइस पर मिला है। और ये रहा हमें देखिए हमारा रूम, ये रहा हमारा सारा रूम, ये पुनीत भाई लेटे हैं, ये हमारे मन्नू भाई, ये गौरव भाई। और गाइज आपको दिख रहा होगा हम सिर्फ एक रात के लिए आए हैं, बस वन नाइट स्टे किया है हमने,
और सामान देखिए आप कितना है, ये बैग, ये क्या है इसका, क्या राजे तो बताओ, ये बैग इतने आ गए हैं यहाँ पे, देखिए बैग दिख रहे हैं आपको, है एक बैग में हम तीनों का सामान है, बाकी सब पूरी का सामान मतलब देख रहे हैं आप बैग, देखिए सिर्फ वन नाइट हमने एक रात ही रुकना है यहाँ पे, और उसके बावजूद सामान देखिए कितना सारा, बैग इतने सारे हो गए, वो तो अच्छा हुआ कार से है तो तब थोड़ी आसानी है। प्रतीक भाई ये हमारे प्रतीक भाई, जिनके माध्यम से हमें एक बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे यहाँ होम स्टे मिल गया है, नमो होम स्टे। द नेक्स्ट डे तो भैया जी अभी सीन कुछ ऐसा है, नहा धो के रेडी हो गए हैं सिद्ध बली बाबा के दर्शन करने के लिए, और ये रहा हमारा होम स्टे जहाँ हमने नाइट में स्टे किया था, बहुत ही बेहतरीन, थर्ड फ्लोर पे हमारा रूम था, एक नंबर का व्यूज़ आ रहा था वहाँ से, और ये सब देखो कार में सामान अपना पैक करके रख दिया, और अब निकल रहे हैं सिद्ध बली बाबा के दर्शन करने, और ये देखिए मनु भाई बिल्कुल तैयार हो गए हनुमान जी के दर्शन के लिए। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, पुनीत भाई जय बजरंगबली बोलो, जय बजरंगबली बोलो भाई, जय बजरंगबली। और चल रहे हैं आप सिद्ध बली बाबा के दर्शन करने, हम भी करते हैं और आपको भी कराते हैं। तो भैया जी सीन अभी ऐसा कुछ है कि फाइनली पहुंच चुके हैं हम सिद्ध बली बाबा के मंदिर में, और ये चंद कदमों की दूरी पर है सिद्ध बली बाबा का मंदिर, और ये है खो नदी सा, खो नदी इसका नाम है, खो नदी के तट पर ही स्थित है सिद्ध बली बाबा का मंदिर, और अभी आगे से प्रसाद लेते हैं, गाड़ी इधर पार्क कर दी हमने, सब लोग तैयार हैं, तो सिद्ध बली बाबा के दर्शन करते हैं और आपको भी दर्शन कराते हैं। ये रहा यहाँ का देखिए प्रवेश द्वार, और ये वो रास्ता भी हम जहाँ से आ रहे हैं, बजाओ घंटी। पुनीत भाई यहाँ आप छोटे पड़ गए यार, छोटे पड़ गए, हम इसी उम्मीद लेकर आए थे, घंटी बजा लेगा, एक घंटे यहाँ पे ऊँची है पुनीत भाई की हाइट, यहाँ काम नहीं है, है? और देखिए यहाँ से ये सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं, और प्रसाद हमने ले लिया है यहाँ सिद्ध बली बाबा को, भैली के रूप में भी प्रसाद चढ़ाया, तो भैली वाला प्रसाद हमने ले लिया है, और आज देखिए आज हमारा भी यहाँ आगमन हुआ है, और आज हमारे उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का भी यहाँ कोई कार्यक्रम है, तो पूरे कोटद्वार में पुलिस ही पुलिस हो रही है। पुनीत भाई हम लकी हैं या पुष्कर सिंह धामी जी लकी हैं? अरे वाह यहाँ देखिए पेंटिंग, वाह कितनी सुंदर पेंटिंग की गई है, देखिए मंत्रमुग्ध हो गए इन पेंटिंग्स को देख के हम, इन पेंटिंगों से हमें रामनगर की पेंटिंग याद आ गई जो G20 में हमारे कोसी बैराज से जो डिग्री कॉलेज के की थी, उसी टाइप की पेंटिंग देखिए यहाँ भी की गई है, बहुत अच्छी लग रही है। तो भैया जी अभी सीन कुछ ऐसा है कि अभी हम भंडारे में प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, और सिद्ध बली बाबा जो मंदिर का एक इतिहास है ना, मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर जिसकी भी मन की मुराद पूरी होती है ना, वो समझ ले भंडारा जरूर करवाता है, और अभी भी यहाँ पे 4 से 5 भंडारे चल रहे हैं, जिसमें चावल हर तरह के अलग अलग तरीके के भंडारे चल रहे हैं, और ये मैंने अभी मतलब मैंने YouTube पे या उसमें देखा था कि यहाँ 2025 तक एडवांस बुकिंग हो चुकी है भंडारों की, उससे पहले जगह खाली नहीं है भंडारा कराने के लिए, तो आप समझ सकते हैं कितनी मान्यता होगी हमारे सिद्ध बली महाराज की, 24 तो चल ही रहा है, 25 तक एडवांस बुकिंग हो चुकी है भंडारों की, अब आप खुद समझ लीजिए, और हम भी यहाँ भंडारा चक्के बहुत अच्छी तरीके से हमें दर्शन हो गए हैं सिद्ध बली बाबा के, अब बस भूख भी लगी थी, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, उसके बाद निकलते हैं सीधा अपने घर को। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।